सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। याद रखना ये किस देश के हैं, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने हराया था ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर डोमिनिक थियम को। अच्छा, ये तो मेंस प्लेयर की बात हो गई, अगर वुमेन्स प्लेयर में बात करेंगे, वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता था, तो यूएसए की सोफिया केनिन ने जीता था। किसको हराया था? स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को हराया था। अच्छा, वैसे आपको बताया, देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। अच्छा चलो ये भी देख लो कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो मैंने आपको कई बार बताया, ऐसे याद रखो ऊपर ही ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, और जो दूसरे नंबर का फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पे, और तीसरा वाला विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। अब करंट अफेयर्स वाली न्यूज पे आ जाओ, इस साल अभी तक एक ही हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो फ्रेंच ओपन है वो स्थगित कर दिया गया, और जो विंबलडन ओपन है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये भी याद रखना, और इसे कैंसिल कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। तो ये कुछ पॉइंट्स और याद रखो। फिर है भारत की पहली निर्यात फ्रूट ट्रेन को किस राज्य से रवाना किया गया था, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। केले लेकर के निकली थी ये, फिर ये मुंबई गई थी और मुंबई से वो केले का जो कंटेनर है वो ईरान भेजा गया था। फिर है उद्योगों को जल्दी क्लियरेंस देने के लिए किस राज्य ने डायरेक्ट CTO, CTO मतलब होता है कंसर्ट टू ऑपरेट नाम की पहल को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो उद्योगों को जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिल सके इसीलिए ये पहल शुरू की गई थी और फिर वो उद्योग शुरू हो सके। फिर है फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया था, तो मॉरिसियो मैक्री को, जो कि अर्जेंटीना के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। अच्छा फिर बताओ अर्जेंटीना के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। और कैपिटल क्या है अर्जेंटीना की? ब्यूनो आयर्स। फिर है किस राज्य ने YSR पेंशन कनुका योजना शुरू की, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो YSR से समझ गए होंगे आप, ये आंध्र प्रदेश की योजना है। अच्छा ये योजना है क्या, तो मैंने आपको बताया भी था, जो योजना वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे इस योजना की हमने बात की थी कि जो पेंशन होती है बुजुर्ग व्यक्तियों की, अब वो पेंशन लेने के लिए उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, घर तक उनके पेंशन पहुँच जाएगी। साथ में पेंशन वालों की जो उम्र है 65 ईयर से वो घटा करके 60 ईयर कर दी गई। फिर 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट का विषय यानी कि थीम क्या रही थी? कैरिंग सोसाइटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, और उम्मीदों का भारत यानी कि एस्पिरेशन इंडिया। फिर है खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने किस कंपनी के साथ मिलकर खादी की कलाई घड़ियां, जो रिस्ट वॉच होती है, उसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा टाइटन के साथ, मतलब घड़ियां खादी की होंगी। फिर है अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2020 का उद्घाटन कहां पे किया गया था, तो हरियाणा में किया गया था, और इसमें फोकस कंट्री रहा था उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट रहा था हिमाचल प्रदेश। फिर है विश्व सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समिट 2020 ये हुआ था कहाँ पे? नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किया था टेरी ने, TERI, द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और इसकी थीम रही थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। फिर है उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद सैनिकों के सम्मान में असम राइफल्स ने किस राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया, तो आंसर होगा नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और आरएन रवीस के गवर्नर हैं। बढ़ते आगे, फिर है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा मोहम्मद तौफीक अल्लावी। बगदाद इसकी कैपिटल है, दिनार इसकी करेंसी है। फिर है कोल इंडिया के अभी नए अध्यक्ष कौन बने थे, प्रमोद अग्रवाल बने थे, और आपको याद रखना है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो झारखंड के धनबाद को कहते हैं। फिर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर है किस देश में एक्यूशे पुस्तक मेला शुरू हुआ था, तो ये बांग्लादेश में शुरू हुआ था। अच्छा पुस्तक मेले से याद आया, अभी जनवरी में ही नई दिल्ली में जो बुक फेयर हुआ था वहां से एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था, अभी मतलब अभी तो क्या, अभी तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, जब तक लास्ट में एग्जाम हुए थे आपके, किसी एग्जाम में आया था ये, कि उसकी थीम क्या रही थी, तो थीम रही थी गांधीज द राइटर्स राइटर। फिर है आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को मनाते हैं, और 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1931 को रामसर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ईरान में है ये रामसर, इसीलिए मनाते हैं। और याद रखना भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, 37 है, और आपको याद होगा अभी फरवरी की बात है, मेरे ख्याल से 10 वेटलैंड्स को रामसर स्थल का दर्जा मिला था, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा। फिर है श्रीलंका में नए उच्चायुक्त, नए भारत
राष्ट्रीय उच्चायुक्त कौन बने, मतलब हाई कमिश्नर, तो गोपाल बागले बने हैं। श्रीलंका से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे आपके लिए, प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे नए बने और इनके भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने हैं। कैपिटल वैसे इसकी देखो दो कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल तो कोलंबो है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। फिर एक कौन सा देश राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में दोबारा शामिल हुआ, तो मालदीव की बात हो रही है यहाँ पे, और इस तरह से ये 54वां देश बन गया है। एक्चुअली ये पहले भी सदस्य था लेकिन 2016 में इसने सदस्यता छोड़ दी थी, अब ये फिफ्थ से सदस्य बन गया। कैपिटल माले है, करेंसी रुफिया है और इसके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। पीपल माजलिस इसकी संसद को कहते हैं। किसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता, देखो मेंस डबल वाले प्रश्न नहीं आते हैं, या तो वुमेन सिंगल या फिर मेन सिंगल का पूछा जाता है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें एक विजेता भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है राजीव राम, अमेरिका में है, भारतवंशी हैं ये, और इनके जो साथी रहे वो थे जॉयस सिलिसबरी, ब्रिटेन के। अच्छा, जॉयस सिलिसबरी से कुछ याद आया, ब्रिटेन के सिलिसबरी मैदानी क्षेत्र में एक अभ्यास हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच में, फरवरी की बात है, उस अभ्यास का नाम क्या था, अजय वॉरियर। तो देखो इसी तरह से चीज़ों को लिंक कर करके एक वर्ड पकड़ में आना चाहिए, बस सारी पिक्चर फिर आपके माइंड में चलती रहेगी ऑटोमेटिकली। ये और ये होता क्यों है, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इतनी जल्दी ऑटोमेटिक कैसे याद आ जाता है। रिवीजन से बेहतर कोई मैजिक नहीं है, मैजिक कह दो इसे, कोई पावर नहीं है, पावर कह दो, जो आपको कहना है कह सकते हो, रिवीजन ही सबसे बड़ी शक्ति है चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए। इसीलिए आप लोगों के लिए ये रिवीजन वाला वीडियो चला रखा है मैंने, इसमें व्यूज़ नहीं आते हैं, इस वीडियो को चला करके मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि व्यूज़ ही बहुत कम है और मेहनत भी बहुत लगती है। आप देख लीजिए, कोशिश करता हूँ कम से कम मिनट में, 15 मिनट से आसपास या उससे कम मिनट में मैं आपको 52 क्वेश्चन का रिवाइज करा सकूं। इतना सारा लेकर के चलना होता है तो बहुत मेहनत लगती है, व्यूज़ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए चला रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए, शेयर वगैरह किया कीजिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो करते होंगे मुझे सपोर्ट, लेकिन जो अगर कोई नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि हम इसे कंटिन्यू रख सकें। एक एनर्जी होती है, एक अंदर से फील आता है ना कि हाँ यार आप लोगों के लिए इसे कंटिन्यू रखना है, तो वो अंदर से ऐसा पॉजिटिवनेस आना चाहिए, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिल से अगर चीज़ें पढ़ाई जाती है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है। आप लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है नागोबा जतारा उत्सव। ये जो उत्सव है, ये जो त्यौहार है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया था, तेलंगाना में। एक्चुअली ये जनजातीय त्यौहार है, गोंड समुदायों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और तेलंगाना में एक और उत्सव हमने मनाया था, बतुकम्मा, फूलों का त्यौहार होता है वो बतुकम्मा, वो भी तेलंगाना में होता है। फिर टिड्डी दल के द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने के बाद किस देश ने राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की थी, पाकिस्तान ने की थी और फिर उसके बाद सोमालिया ने भी कर दी थी। बढ़ते आगे, तो चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फोर्ब्स ने अभी 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की थी और उसमें टॉप पे रहे कौन, अमेजन के जेफ बेजोस लगातार इस सूची पे तीसरे साल ये टॉप पे रहे हैं। और देखो फर्स्ट नंबर पे तो जेफ बेजोस हैं, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं और थर्ड नंबर पे रहे LVMH के बर्नार्ड अर्नॉल्ड। अब बात आती है मुकेश अंबानी की, जो कि भारत के तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं लेकिन पूरे विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में ये कौन से स्थान पर है, तो इसमें देखो काफी कंफ्यूजन है। एक्चुअली कहीं कहीं जगह पे दे रखा है ये 17वें स्थान पर है, 17 नंबर पे, कहीं कहीं दे रखा है 21 नंबर पे। मैंने भी आपको कल 17 नंबर ही कराया था क्योंकि मुझे भी 17 नंबर ये पढ़ने को मिला था, लेकिन बाद में मैंने कहीं और जगह चेक किया तो 21 है, तो इसी तरह से था। तो जो फोर्ब्स की ऑफिशियल साइट थी फिर मैंने वहां जाकर के देखा तो वहां पे 21 लिखा हुआ है, तो ये 21 नंबर पे है। फिर विजडन जो कि एक मैगजीन है, उसने किसे विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब यानी कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया, तो आंसर होगा, देखो पुरुषों में बात करेंगे तो इंग्लैंड के बेन स्टॉक नाम आएगा, महिला खिलाड़ी में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी। फिर लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, अभी रखा तो क्या था गवर्नमेंट ने 14 अप्रैल तक रहेगा लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 30 अप्रैल तक कर दिया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया उड़ीसा, जिसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गणेशी लाल इसके गवर्नर है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। फिर किस राज्य सरकार ने कोविड केयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने, कैपिटल इसकी ईटानगर है, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। तो ये एप्लीकेशन क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए या COVID-19 रोगियों के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। फिर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के CMD कौन बने, पराग राज बने हैं। फिर IIM बेंगलोर के डायरेक्टर बने कौन, ऋषिकेश टी कृष्णन।
फिर पूछा गया था एमएसएमई को ऋण मुहैया कराने के लिए किसने सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की, तो आंसर होगा सिडबी ने। सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और मोहम्मद मुस्तफा इसके सीएमडी है। और सेफ मतलब यहाँ पे हो गया सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिट इमरजेंसी। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसके जो मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और एमएसएमई डे मैंने शायद पूछा था आपसे कब मनाते हैं, तो 27 जून को मनाते हैं, आपने आंसर किया था। फिर है यूनाइटेड नेशन ने अभी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 4.8%। यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं। फिर है 2021 में इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बेल्जियम में होंगे ये, और बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है। ब्रुसेल में आपके नाटो का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। प्रधानमंत्री इसकी अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कुछ महीने पहले ही, सोफी विल्म उनका नाम है। फिर है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, वर्ल्ड कप 2020 को अभी रद्द कर दिया गया, इसका आयोजन अभी कहां पे होना था, नई दिल्ली में होना था ये। तो ISSF की बात कर लेते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1907 में, म्यूनिक जर्मनी में हेडक्वार्टर है और व्लादिमीर लुसिन इसके हेड हैं। फिर है किस राज्य ने ESMA लागू कर दिया, कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था इसके बारे में, ये क्या होता है, कब लागू किया जाता है, तो ये लागू किया अभी मध्य प्रदेश सरकार ने। ESMA की फुल फॉर्म में अभी आपको बता देता हूँ, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि अति आवश्यक सेवा आरक्षण कानून। मुख्य रूप से हड़ताल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है सरकार के द्वारा, हड़ताल को तोड़ने के लिए। बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने 10 बैंकों को विलय करके कितने बड़े बैंक बना दिए हैं, अब तो ये 1 अप्रैल से लागू भी हो गए हैं, तो 4 बैंकों यानी कि 10 बैंक का मर्जर हुआ और 4 नए बैंक बन गए हैं, तो अब टोटल कितने रह गए, 12 रह गए। अच्छा, किस किस बैंक का किस किस में मर्जर हुआ है और कौन कौन से बैंक हैं वो 10 बैंक ये आपको पता होने चाहिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। देखो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, जबकि सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय किया गया है, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है, और बात करेंगे आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और जो ये पंजाब नेशनल बैंक बना है, यह आपका अब देश का दूसरा सबसे बड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक। फिर है द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, अभी मैंने आपको बताया भी थे तो आप आराम से बता सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, ये भी याद रखना। फिर है इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ किस में, बताओ, अब मैं आपको ऊपर ही आंसर बता चुका हूँ चारों, तो बताओ इलाहाबाद बैंक का किस में मर्जर हुआ है, ये हुआ है इंडियन बैंक में। फिर है मेडागास्कर की राजधानी, मेडागास्कर की राजधानी एंटानानेरियो है। फिर है केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, उरुहु केन्याटा इसके प्रेसिडेंट है और केन्यन शिलिंग इसकी करेंसी है। फिर है सेनेगल की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, इको है। याद रखना, कुछ समय पहले ही करंट अफेयर्स में पढ़ा था, 8 अफ्रीकी देश हैं जिनकी करेंसी चेंज हो गई है, पहले उनकी करेंसी क्या थी, CFA फ्रैंक, और वो 8 देश कौन कौन से हैं, माली, नाइजर, सेनेगल, टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बिसाओ और आइवरी कोस्ट, और इनकी अब नई करेंसी हो गई है इको। फिर है न्यू शेकेल किस कंट्री की करेंसी है, तो ये इसराइल की है। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से 2 पॉइंट और याद रख लो, क्लॉस स्वैब इसके हेड है, 1971 में स्थापना हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर तो ये लंदन में है, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे, तो अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे, तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये हमने मनाया कब, 17 अक्टूबर को मनाया। फिर अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये हमने 15 अक्टूबर को मनाया और इसकी थीम रही थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। याद रखना 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन को। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया था, और पिछले बार यानी कि 2019 में बात करेंगे क्योंकि अभी अक्टूबर तो आया नहीं 2020 का, तो थीम क्या रही थी, गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड, और ये तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। अभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने कब मनाया, तो 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं, और नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते,
मनाते हैं अपन 11 नवंबर को, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये साल में हम दो बार मनाते हैं, एक तो 11 मई को और एक 12 अक्टूबर को। और थीम क्या रही थी इस बार की, मतलब 2019 की थीम क्या रही थी, प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसे 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और इसके चीफ हैं, ये भी नए बने थे 2019 में ही, क्यू डोंग, चाइना के ये। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे की थीम भी तो थी, थीम क्या थी, तो अवर एक्शंस आर अवर फ्यूचर। और एक नेशनल फूड डे भी होता है, वो भी याद रखो साथ के साथ, वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जिस दिन अपन यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं और वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को, तो वो भी याद रखना। फिर है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। तो देखो, जब भी बात होगी विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो ये हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले 2010 में मनाया था, फिर 15 में, अब मनाएंगे 2020 में, कब, 20 अक्टूबर को। लेकिन अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे पूछा जाएगा, तो फिर आंसर होगा 29 जून को, जो कि हम हर साल मनाते हैं। फिर है विश्व सुनामी दिवस, 5 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये हम मनाते हैं 7 नवंबर को। और एक वर्ल्ड कैंसर डे तो अपन मना ही चुके हैं 4 नवंबर को। चलो आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताओ इस बार जो अपन ने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था उसकी थीम क्या रही थी। प्रश्न समझ में आया, थीम पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अभी जो अपन ने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था 4 फरवरी 2020 को, उसकी थीम देखते हैं आपको थीम पता है या नहीं है। फिर विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे, ये हमने 10 नवंबर को मनाया। विज्ञान से कंफ्यूज मत होना, हम बात कर रहे हैं विश्व विज्ञान दिवस की, वर्ल्ड साइंस डे की, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो 28 फरवरी को भी अपन ने कोई साइंस डे मनाया था, तो बिल्कुल मनाया था, नेशनल साइंस डे मनाया था, क्योंकि उस दिन हमारे जो साइंटिस्ट है सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व विज्ञान दिवस, तो वो 10 नवंबर को मनाया था। फिर वर्ल्ड निमोनिया डे, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, और थीम रही थी इसकी पिछली बार की, हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। एक तो आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और बाकी मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, 6 महीने के ऊपर हो गया इस वीडियो को चलते हुए, तो सपोर्ट कीजिए। और खास तौर पे जो नए स्टूडेंट अगर कोई जुड़ रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप्स में, अपने स्टडी ग्रुप्स में इनको शेयर जरूर कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।